भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी हंसी मजाक किया और अपने पुराने दौर को याद किया जब दोनों ने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। हालांकि गंभीर विराट कोहली से काफी पहले से खेलते हुए नजर आए, पर दोनों ही दिल्ली के हैं। कई बार इन दोनों के बीच मैदान पर बहस हो चुकी, चाहे वो 2013 हो चाहे वो 2023 हो, लड़ाई भी हुई है, दोस्ताना भी हुआ है और भाईचारा बना रहा है। इस इंटरव्यू में विराट कोहली और गौतम गंभीर ने अपने उन पुराने दिनों को याद किया जब टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था। विराट ने गंभीर से पूछा कि आपने जब बल्लेबाजी करना शुरू किया तो आपके टॉप लिस्ट में भी टेस्ट क्रिकेट था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही जो हमारी एज के लोग हैं वो टेस्ट क्रिकेट के लिए ही सबसे ज़्यादा तैयारी करते थे, क्योंकि तब IPL और T20 वर्ल्ड कप जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। वहां पर गौतम गंभीर ने अपने नेपियर टेस्ट की बात की जहां उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था, और विराट कोहली के बारे में भी बताया। नेपियर टेस्ट के बारे में गंभीर बताते हैं कि जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तब उन्होंने 2.5 दिन बल्लेबाजी की थी और अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस दौरान गंभीर ने कहा कि जब वो एकदम शांत खड़े थे तो कई बार ऐसा हुआ कि 2-2 घंटे गौतम गंभीर ने एक शब्द भी नहीं बोला। गंभीर बताते हैं कि जब VVS लक्ष्मण ने उनसे 2 घंटे के बाद लगभग पूछा कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या आपको पता है कि पिछले 2 घंटे से आपने कुछ नहीं बोला है, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। हालांकि उस दौरान मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ जाता था, बल्लेबाजी करता था, ड्रेसिंग रूम जाता था, हनुमान चालीसा सुनता था, बल्लेबाजी करने से पहले हनुमान चालीसा सुनता था और उसके बाद आकर बल्लेबाजी करता था, और अगर अब कुछ ऐसा करने को कहा जाए तो शायद नहीं कर पाऊंगा। इस पर विराट कोहली ने जो बताया वो वाकई में चौंकाने वाला था। विराट कोहली कहते हैं कि जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे में 692 रन बनाए थे, 4 शतक 1 अर्धशतक, वो 2014-15 की सीरीज MS धोनी गए थे लेकिन बीच में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी, उस वक्त विराट कोहली ने कहा कि उससे पहले मेरा टेस्ट उतना अच्छा नहीं था और उस दौरान मैं बल्लेबाजी करने से पहले हर गेंद के पहले लगभग ओम नमः शिवाय का जाप करता था और ये 5 मैच में मैंने किया था और बल्लेबाजी की थी और उसके बाद से लेके उस पूरे सीरीज में मैंने ये किया और उसके बाद 692 रन बनाए थे। ये जो दो बातें बोली गंभीर और कोहली ने, ये वाकई में किसी को नहीं पता थी कि गंभीर और कोहली जो उस वक्त इतना ज़्यादा अग्रेशन में रहते थे वो भी थोड़ा भक्ति में लीन होंगे, वो उतना नहीं अंदाज़ा था किसी को, लेकिन ये खुलासा आज किया है। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें 1 इंडिया हिंदी।